तो चक्रवर्ती परिवार शुरू से ही जानवरों को बेहद पसंद करता है। पृथ्वी चक्रवर्ती जब बॉलीवुड में एंटर लिए थे तब उनकी फिल्मों में कई तरह के जानवर दिखाए जाते थे, चाहे वो फिर कुत्ते हों, हाथी हों, डॉग हों, घोड़े हों, भालू हों, बंदर हो, हर तरह के जानवर इनकी फिल्म में दिखाए जाते थे। और इनका परिवार भी जानवरों से बेहद प्यार करता है, और यही वजह है कि इनका परिवार जैसे कि नमासी चक्रवर्ती, दिशानी चक्रवर्ती या इनकी वाइफ योगिता वाली या फिर खुद मिथुन चक्रवर्ती हर तरह के पोस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पोस्ट करते रहते हैं जानवरों के साथ। अभी एक पोस्ट नमासी चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था जिसमें वो एक कुत्ते के साथ बैठे हुए हैं, और उन्होंने लिखा भी है, बताया भी है इंटरव्यू के दौरान, बताया भी है कई सारी बातें कि हमारे घर में जानवरों को लोग बहुत पसंद करते हैं, हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं सब जानवरों को बेहद पसंद करते हैं, हमने जानवर पाल के रखे हैं बहुत से, और कुत्तों की अगर बात की जाए तो हमने 76 कुत्ते पाले हैं और उन्हें एसी वाले रूम में रखा जाता है, उन्हें दिन में बांधा जाता है और रात में छोड़ दिया जाता है। नमासी चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि मेरे पिता मिथुन चक्रवर्ती को भी जानवरों से बहुत लगाव है और उन्हीं की वजह से आज हम सब भी जानवरों को बेहद पसंद करते हैं, और ये समझ आता है कि जानवरों को प्यार करने में कितना बड़ा सुकून है। उन्होंने ये भी संदेश दिया कि आप सब भी, अगर आप सबके आसपास जानवर हैं तो आप उन्हें उठाइए, उन्हें पालिए, अगर नहीं पाल सकते, नहीं उठा सकते तो उन्हें तकलीफ मत पहुंचाइए, जितना हो सके उनका आप ख्याल रखें, उन्हें अपने साथ रखें, उनका ध्यान रखें, उन्हें डांटे नहीं, मारे नहीं, उनके साथ कोई गलत दुर्व्यवहार ना करें। उन्होंने साथ ये भी बताया कि उन्होंने कुत्तों के साथ साथ कई अनेक तरह के जानवर भी पाल रखे हैं जिनके लिए एक अलग से ही फार्म हाउस बनाया गया है, वहाँ पर हाथी, घोड़े, बंदर, चिड़िया, हर तरह के जानवर मौजूद मिलेंगे। उन्होंने बताया कि मेरे पिता मिथुन चक्रवर्ती ने इन सभी जानवरों के लिए एक बढ़िया सा फार्म हाउस बनाया है। तो अब तो आप जान गए होंगे कि चक्रवर्ती फैमिली जानवरों से कितना प्यार करती है, और साथ ही उनके प्रति उनके मन में जानवरों के लिए कितना प्यार है, और यही प्यार हम सबको भी रखना चाहिए जानवरों के लिए।